हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट और न्यू कबाब की रेसिपी लाई हूँ जो लाल साग से बना होगा। मुझे नहीं लगता इससे पहले आप लोग इस कबाब को ट्राई किए हो, पर यकीन मानिए ये कबाब बहुत टेस्टी और फ्लेवरफुल बनता है और बहुत ही जल्दी बनके रेडी भी हो जाता है। आप एक बार इस कबाब को ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो प्लीज़ इस कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कबाब के लिए चटनी बना लेंगे, जिसके लिए हमने थोड़ा धनिया की पत्तियों का यूज़ किया है। ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अब इसके बाद एक हरी मिर्च हम डालेंगे और साथ ही साथ 3-4 लहसुन की कलियां भी डाल देंगे और थोड़ा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और जो लेमन का जो जूस है वो भी हम 1 टीस्पून डाले हैं। अब इन सबका हमें पेस्ट बना लेना है। अब ये कुछ हमने लाल साग ले लिया है, अब इसी का हमें कबाब बनाना है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में लाल साग को पहले भून लेंगे। कढ़ाई में तेल का आप यूज़ मत कीजिएगा और लाल साग में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और गैस के फ्लेम को लो से मीडियम तक रखिएगा। अब ऐसे ही हम थोड़ा भून लेंगे लाल साग को। अब इसको हमें इसी तरह से 3-4 मिनट भून लेना है, उसके बाद हम ढक देंगे करीब 4-5 मिनट के लिए। तो देखिए साग से पानी निकल रहा है और इसी पानी को हमें सुखाना है, तब तक हमें चलाते रहना है। और साथ ही साथ साग भी बॉयल हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब ये तो मीडियम साइज़ के आलू है जो कि बॉयल किया हुआ है और सबसे पहले हमें इसे मैश करना है। और ये जितने भी क्वांटिटी है ये आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो देखिए आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब जो साग हम भून के रखे थे उसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें चुटकी भर हमें हल्दी डालना है और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब ये 1 छोटा चम्मच चॉप किया हुआ जिंजर को डाल देंगे और साथ ही साथ ग्रीन चिली जो चॉप किए हुए हैं इसको भी डाल दिए हैं। अब ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है जो कि चॉप किया हुआ है और साथ में चॉप किए हुए लहसुन की कलियाँ है जो कि 1 छोटा चम्मच है। और ये रोस्टेड बेसन है, ये भी हम 1.5 चम्मच डाल रहे हैं, 1.5 छोटा चम्मच। ये 1 छोटा चम्मच हमने ब्रेड क्रम्स डाला है जिससे हमारा कबाब क्रिस्पी बनेगा। और ये जीरा पाउडर है जो कि 1 छोटा चम्मच है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इस मिक्सचर को कबाब का शेप देना है, जिसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल अपने पाम में रब कर लिया है जिससे ये कबाब चिपके नहीं हमारे हाथ से। अब इसको आप कोई भी शेप दे सकते हो, यहाँ पे हमने राउंड शेप का कबाब बनाया है। अब इसी तरह से हम बाकी कबाब्स भी बना लेंगे। तो देखिए कबाब का शेप रेडी है, अब इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले हम पैन में 1.5 टीस्पून वाइट ऑयल डाल लेंगे, इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। अब एक एक कबाब को पैन में रखते जाएंगे और गैस के फ्लेम को लो से मीडियम तक रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और दोनों तरफ से हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे कबाब को। और आपको अगर हमारी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो, आप पसंद कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके और शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। साथ में सब्सक्राइब बटन के पास जो एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम कोई भी रेसिपीज़ डालें उसका तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो देखिए कबाब भी हमारा रेडी हो गया है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है दोनों तरफ से। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। अब पैन में फिर से हम 1/2 टीस्पून ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा ग्रीन चिली डाल देंगे और ग्रीन चिली को फ्राई होने देंगे। तो देखिए ग्रीन चिली हल्का सा फ्राई हो गया है। अब जो चटनी हम बना के रखे थे उसमें हम डाल देंगे ऑयल और ग्रीन चिली को और सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये चटनी भी हमारा रेडी है। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
और साथ में हमें कमेंट पे भी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। आपका कमेंट पढ़ के हमें सच में बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे और एक न्यू रेसिपीज़ के साथ।